पवन कुमार मल्होत्रा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया एवं रस्म पगड़ी श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल में की गई, जिसमें आए हुए पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय पवन कुमार मल्होत्रा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, भाजपा देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर भगत, रमन पब्बी, आरएसएस के सुमेश लुद्रा, रॉबिन सांपला, अजय चोपड़ा, भूषण कोहली, रमन शर्मा, राजू शर्मा, अनिल सच्चर सहित धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय पवन मल्होत्रा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। समाज का कल्याण होता है, समाज का उद्धार होता है। एक बात और कहना चाहूंगा, पवन मल्होत्रा जी मरे नहीं है, पवन मल्होत्रा जी का शरीर अदृश्य हुआ, आपके अंतःकरणों में समाज के किए हुए कार्य के लिए पवन मल्होत्रा जी सदा सदा के लिए याद रहेंगे आप सबके हृदय में भी, हमारे हृदय में। अब समय बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा चर्चा करो, आओ वाणी को विराम किया और गाते धन्य पवन मल्होत्रा जी, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्य करके और कुछ छोटी अल्पायु एक बार दूर भी होगा। आप जितने सांस उठा कर देख लो, प्राण उठा करके देख लो, वेद उठा करके देख लो, महान पुरुष और महान व्यक्ति बहुत ज्यादा समय नहीं जीता, थोड़े समय जीता, कितना जीता है क्या, हजारों वर्ष तक उसे स्मृति में याद रखते, उसके किए हुए कार्य को याद करते। बहुत ही दुख की घड़ी है सारे समाज के लिए और परिवार के लिए। पवन जी मेरे हम उम्र से, मेरे जमैती से, और असी इको पल च रहे, अज ईश्वर ने भी गिला करने मन करता कि ईश्वर हे महामाई जिहड़ा पुराने लोगों लई सवेरे उठ के हॉस्पिटल जाके मरीजा नूं दुध पिलांदा सी, दलिया खवांदा सी, शामा बाजार मुझे हॉस्पिटल गोपाल नगर के बतौर मुख सेवादार जिन्हें कई साल उत्थे सेवा निभाई और नौजवान पीढ़ी नूं एक संदेश दिंदा सी कि असी नशे नूं त्याग के असी धार्मिक इंसान बनना है। कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल छूटा है। मौत निश्चित है, मौत असल सत्य है, मौत अवश्य जिस तरह जीवन चले चीज का समय है, मौत का भी समय है। जो तो व्यक्ति उम्र को बुलंदा है, जिम्मेवारी तो शुरू है, मनस्थिति बनती है इस नश्वर संसार तो चले जाए, व्यक्ति की बनती है परिवार की बनती, जो मौत असल में आती है क्या है। श्री पवन मल्होत्रा जान का समय नहीं सी, 60-65 साल उम्र जिंदगी तो मुकाम होंगे जो जिम्मेवारियों तो सुरखरू हो चुका होता है या हो रहा होता, और अलाद रूपी फुलवाड़ी लैल हान रूप चहचाते देखता है। ठीक है, पवन जी का जाना असमय जाना है, कहर बन गया जान समय नहीं, हाले तो जिम्मेवारियां अधूरी, दो बेटियां की शादियां की थी, बेटे भुवन और अमित उन्होंने जिम्मेवारी निभानी सी, जनवरी के मैरिज निश्चित स्वयदा दुख असह और अकह पूरे परिवार में धर्म पत्नी
बेटियां बेटी भरावान अशोक अश्विनी सुशील ये रिश्ते जो है अटूट होते हैं जिस उम्र भी जा जो भी जा दुख आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य अश्विनराणा धर्म निवेशा अधिको विशेषा धर्मेन हीन पशु समान असी सारे मनुख इस करके मानव कह जाते हैं क्योंकि असी धर्म अनुसार जीवन जीन का एक प्रयास करते हैं और धर्म की है इन बारे संत तुलसीदास जी बड़े स्पष्ट शब्दों के विच कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा संबंध नहीं अधिकार दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के उसनू दूर करन दा उपराला करन दा काम जो करते हैं उन्होंने बारे च समझा जा सके कि धर्म अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं समर्पण त्याग ना जीवन जीन वाले श्री गलोत्रा जी पवन जी अंतिम विदाई देने वास्ते तुम सारे चल के आए मैं गलोत्रा प्रधान सारे का आभार व्यक्त करता कहते ने दुख वंडिया घटता खुशी वंडिया वर्दी है तुम सारे चार कदम चल के आए हो मैं परिवार वालों थोड़ा सारे का एक बार फिर आभार व्यक्त करता मैं परम पिता परमात्मा के यही अरदास करता कि परमात्मा इस पुण्य आत्मा अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को एक एडा वा दुख सहन की शक्ति दें